वाह जी वाह, सफाई हो रही है अपनी। और ये मेरे साथ कर रहा है, सब काम शुरू हो गया है, रस्सियां वगैरह बांध रहे हैं, चीज चिप्स अपने फ्राई होना शुरू हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाल दिए ऑयल में। नमाज का टाइम हो गया, क्यों मैं आ जाए, ईद का फर्स्ट डे तो नमाज की तैयारी करते हैं। टाइम हुआ जाता है जी 6:05:40, हमारी जमात है जी 6 बजे, 6:30 बजे में जिन्हें मैं देने लगा ये क्या भैया, सुबह सुबह ये लो, सुबह सुबह मस्ती में है। चलते हैं जी, कपड़े वगैरह निकालते हैं, शावर वगैरह लेके मैं आपसे मिलता हूँ। शावर बस ले लू, मैं कपड़े निकाल के शावर ले लू। अच्छा जी, शावर वगैरह लेके मैं रेडी हो चुका हूँ। रेडी क्या हूँ, ये आप मुझे घर के कपड़ों में देख रहे थे भाई साहब, एक लोचा हो चुका, सीन हो गया आपके भाई के साथ। सीन क्या हुआ है, ये पुराने कपड़े क्यों पहने हैं, मैं आपको नमाज पढ़ के, नमाज का टाइम रह गया थोड़ा सा, 10 मिनट रह गया जबान में, तो चलते जी जल्दी चलते हैं, मस्जिद पहुंचते हैं, नमाज पढ़ के आके मैं आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ। क्योंकि एक बार लोचा हो चुका भाई साहब, आका भाई साहब बहुत गुस्से हुए हैं, पर मैं बता वाजिया नहीं कर पा रहा अपना गुस्सा के मेरे साथ हुआ क्या है। तो चलती है जी, मोबाइल को लगाते हैं चार्ज पे, फटाफट मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं ईद की, और आके मैं मिलता हूँ आपसे। हेलो जी, बड़ी ईद मुबारक सबको, हाशमी फैमिली, पूरी हाशमी फैमिली, तमाम मुसलमानों को ईद, बड़ी ईद बहुत 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 मुबारक हो आपका भाई, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों। अच्छा, आप सबको ईद ईद बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ जी, यही दुआ है कि ईद सबके लिए अच्छी गुजरे, खुशबाश गुजरे, गोश्त जो जो कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। और भाई साहब इम्पोर्टेड मैसेज आज के दिन, यार गोश्त फ्रिजों में नहीं रखना, जिनका हक है, जो बाहर बेचारे पूरा साल, हमारे गरीब बहन भाई जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते, उन सबको यार गोश्त लाजमी दीजिएगा। ये ना हो कि आप सब फ्रिज में रख लें और बैठ जाएं। तो भाई साहब बैड सीन हो चुका है, उससे पहले सबसे पहले ब्लॉग था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले न्यू व्लॉग्स का मिलेगा आपको नोटिफिकेशन। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो भाई साहब आज आपके भाई के साथ सुबह सुबह एक सीन हो गया, थोड़ा सा पानी पुनी पी लूं, गला सूख गया। पानी पुनी पी के इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूं मेरे साथ सीन हुआ क्या भाई साहब सुबह सुबह। हाँ भाई स्मोकी, ईद मुबारक। हाँ भाई चुनो मुनो, ईद मुबारक। हाँ भाई मेरे सुनहरे तो आप सबको ईद मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हाँ जी टैसी, ईद मुबारक, ईद मुबारक टैसी। चुप कर बे कुत्ते, किधर गया सामने? कितनी देर तक करना है, कितनी देर तक करना है? मैं नहीं बताऊंगा ये भाई साहब, बस होने लगा, सफाई वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद ये अल्लाह पाक की राह में कुर्बान होगा। पीछे क्योंकि आप ये करेगा थोड़ी हलचल बाबा गया।
अभी बांध रहे हैं सर। यार मेरी ना आंख लग गई, मुंह पर आया आंख लग गई मेरी। अब आपका भाई सो के उठा, पता भी लगा लेता हूँ आके मोबाइल में। मैं खेलता था गेम, गेम खेलते खेलते लग गई मेरी आंख, मुझे पता ही नहीं लगा। तो अब मैं उठा सो के। तो यार आज आपके भाई के साथ एक भंडार खुल के पंडोरा बॉक्स हो गया आपके भाई के साथ। सुबह सुबह आपके भाई का कांड हो गया। मैंने तकरीबन दिया था 15 दिन पहले ना ईद के लिए सूट, मैंने ग्लोब में भी दिखाया हुआ था सूट। तो ना दर्जी ने कहा था चांद रात का, मुझे जी चांद रात पे ना याद नहीं था। मैंने तकरीबन सुबह 3 बजे मुझे याद आया कि सुबह ईद है, नमाज पढ़ने जाना। सूट मैंने दिया था, मैंने किया दर्जी को कॉल, क्योंकि दर्जी शॉप है ज़रा दूर। तो दर्जी साहब कहते भाई साहब आपको भैयान आपको मिल जाएगा ईद की नमाज से पहले। मैंने कहा 7 बजे जमात है ईद की। कहता आपको ना 6:30 ना आप मुझे कॉल कर लेना, तो मैं लड़का भेज दूंगा आपके घर, एक बार सूट पकड़ लेना। अच्छा जी, तो हुआ कुछ इस तरह। मैंने ब्लॉग वगैरह स्टार्ट किया सुबह उठ के, मैंने उसको की कॉल, उसका नंबर बंद। मैंने कहा खैर हो, मैं कहा शायद वैसे ही बंद किया होगा। तो शावर शुबर लेने चला गया मैंने आके, तकरीबन उसे 15 से 20 मिनट उसे मैंने कॉल करती रही, दर्जी का नंबर बंद। आपके भाई के साथ हो चुका था कान। अब मैं क्या करूँ, नमाज पढ़ने जाना है, 10 मिनट जमात में रह गए हैं। फिर घर से फटाफट मैंने ट्राउजर शर्ट निकाली, मैं कहा नमाज तो पढ़ के आए ना यार, दर्जी धोखा दे गया आज ईद वाले दिन ही आपके भाई का कांड हो गया। यार ये बात सही नहीं है दर्जी साहब, फोन बंद करके। फिर मैं नमाज पढ़ के फिर मैं दोबारा गया हूँ घर लॉक करके ना, मैं शॉप पे गया, उसकी शॉप भी बंद। अब इसकी शॉप खुलेगी तो दर्जी साहब को पकड़ेंगे जाके। अब तो ये ईद के बाद खोलेगा, दर्जी तो गए हो, दर्जी की अब खैर नहीं है। तो बस उठते हैं फ्रेश फ्रूश होके, नाश्ता भी नहीं किया हुआ आज। तो नाश्ता देखो, मम्मी तो आई नहीं, मम्मी गई नहीं है। तो देखते हैं जी नाश्ते के लिए कुछ पड़ा है। तो फिर नाश्ता कर के फ्रेश होते हैं और इनको भी ईद मिलते हैं। भाई कैसे हो, ईद मुबारक, ईद मुबारक सुनो। हेलो, ये तो भूप है, इन्हें क्या बताई। अरे नहीं, इन्हें क्या बताई, इन्हें क्या है, वो अपनी दुनिया में मगन है। यार मुझे लगी थी भूख, अम्मी घर आई नहीं, कुछ पड़ा ही नहीं हुआ घर खाने के लिए, अम्मी बना के नहीं गई। तो मैं अपने लिए लेकर आया हूँ बेबी, ये भी ले गया सा स्टिंग। तो जी खाते हैं स्टिंग, पर ठंडी करते हैं बेबी खा के, भी स्टिंग चिल करके पीते हैं। यार भूख बड़ी लगी, अम्मी आई नहीं घर, तो अम्मी बना दी, कुछ नहीं गई। ये सुबह के उठे, अब रात के सोए, अब आए हैं बाहर। The next day. Very good morning. ईद का आज दूसरा दिन भाई साहब, और गर्मी सूरज चक्कर है, फुल गर्मी। ये बच गई, ओए तुम बच गई हो, बच गई, ये कैसे बच सकती है, ये कुर्बान नहीं की ताहिर भाई ने। अच्छा ताहिर भाई ने बड़ा कुर्बान किया भाई साहब। गर्मी वैसे सुर सन्नाटा है बाजार में, पूरे इतना रश नहीं है। वाजी वाह, सफाई हो रही है अपनी। और ये मेरे साथ कर रहा है मस्करियां, ओए बाज आ जा, ये देखो क्या करेगा। गुलवी ये देखेगा पकड़ने की कोशिश। तो जी आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको डीप फ्रीजर भाई साहब, हमारे जायदाद पहुंच चुका, गोशी गोश भाई साहब, गोशी गोश हो चुका है। तेरी की गाय बकरे मिक्स है, बकरा मिक्स है, पता है कौन सा बकरे का कौन सा बैल का भाई साहब, मिक्स हो चुका है। अमीर हो गए हम, अमीर हो चुके हैं भाई साहब, डीप फ्रीजर भर दिया हमने, अमीर हो गए भाई सा। अब इनके लिए सिक्योरिटी भी अरेंज करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी गार्ड लाने पड़ेंगे ना 2-3, कोई ले ना जाए निकाल के।
ये देखा है वो किधर फेल रहे हैं। हाय अंदर आ अंदर आ। ये देखे हमारे सिक्योरिटी गार्ड है तो सही। ये देखे हमारे गार्ड, ये वो गार्ड है जो खुद डर के भाग जाते हैं। ईद का यार दूसरा दिन बड़ा ही बोर जा रहा है घर पे, सारे फ्रेंड वगैरह बिजी हैं यार। जो दूसरे वो दोस्त दिन कुर्बानी करते हैं ना मेरे दोस्त, ज्यादातर सारे बिजी हैं, बोर डे जा रहा, कहीं जाना ही नहीं हो रहा, कुछ प्लान नहीं, कुछ भी नहीं है आज करने को, बस आज इनके साथ खेलने का दिल करता है। और भाई साहब गोश्त की रखवाली भी करनी है ना फ्रिज की। मैं बनाने का हूँ आलू वाले चिप्स, क्योंकि घर कोई है ही नहीं, आपका भाई अकेला बैठा हुआ है, आपके भाई को खुद ही करनी पड़नी है आज कुकिंग। आज मैं बनाने लगा हूँ आलू वाले चिप्स, क्योंकि तीन आलू इतने ही बहुत है मेरे, अकेला हूँ मैं, बहुत है मेरे लिए। आपके भाई का खाने का दिल कर रहा था खट्टा गोश्त, वो मम्मी है ही नहीं, मामू के घर गई है, तो खट्टा गोश्त किधर से बनेगा ना, मुझे तो बनाने नहीं आता। अम्मी को उसकी रेसिपी पता है, अम्मी को बनाने आते हैं, हम तो चिप्स खा के भाई साहब गुजारा करेंगे। है भाई है पैंथर, चिप्स खा के गुजारा करेंगे ना हम। हाँ जी पैंथर भी कह रहा है। तो गाइस पहले चिप्स काट लिए, आपको दिखाऊं कैसे चिप्स काटे हैं भाई साहब। ये विंगे चिके चिप्स काट कितने ढेर रहे हैं, इतने मैंने खाने नहीं थे जितने कट गए हैं भाई साहब। ये तो बहुत ढेर है, इसका क्या करूंगा मैं। मैंने कहा तीन आलू थोड़े से बनेंगे, वो तो इतना ढेर बन गया भाई साहब टोकरी भर के। अब मैं इतने क्या, मेरी चिप्स बताइएगा कैसे मैंने चिप्स काटे हैं, कमेंट में ला दी बताइएगा विंगे चिबे चिप्स। अच्छा जी चिप्स मैंने वॉश कर लिए, अब इनको लगाते हैं जी नमक, नमक के भाई साहब क्रिस्प, नमक लगाना लाजमी होता, पता नहीं होता क्या पर लगाना लाजमी होता ना। अब मी लगाती है नमक, अब इनको अच्छी तरह ऐसे ऐसे कर लेंगे बस। ओहो ऐसे कर लेते हैं भाई साहब, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे करते हैं थोड़ा सा नमक और, यही ना हो ना बीपीआई करके बैठा हूँ मैं अपना। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चीज चिप्स अपने फ्राई होना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने डाल दी है ऑयल में, ऑयल वा भाई गर्म किया फिर जाके चिप्स ये हो रहे हैं ऐसे। तो भाई ये फ्राई होते हैं फिर खाते हैं इनको अच्छी तरह, अभी और पड़े हैं, अभी तो ये एक बने लगाई है और शिफ्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे चिप्स भी रेडी हो गए, और हमारा साथ मैंने मंगाया है बर्गर फ्रेंड की दुकान से, हॉट माय बर्गर, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ है हमारे पास टिप गार्लिक मायो और साथ केचप, खाते हैं जी मजे करते हैं। आप इसको लगाएंगे डिप के साथ, मजेदार डिप के साथ मजा दिया, सॉस के साथ केचप के साथ ही मजा दिया डिप के साथ, मजेदार। आपका भाई कामयाब हो गया चिप्स उगाने पे। ये मैंने आपको पता क्या ऊपर क्या डाला हुआ है, पिसा गरम मसाला भाई साहब, चाट मसाला मिला नहीं पीता, पिसा गरम मसाला मंगा लिया। चने मैं खा के फिनिश कर दो, ठंडे हो जाएंगे फिर मजा नहीं आएगा, मैं खा के आपसे मिलता हूँ फिनिश करके इन्हें, हमारे क्योंकि शिकारी भी फिर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी खा के मैं फ्री हो चुका हूँ, पेट भर गया यार चिप्स, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे से बन जाएंगे चिप्स, कभी की ही नहीं ना कुकिंग भाई साहब, अंदाजा ही रही है। अब मैं जरा चक्कर चुक्कर लगा रहा हूँ, मैं जरा हजम हुजम हो जाए, खा के रेटना नहीं ना पेट बाहर आ जाता है। क्या कर रहा, अच्छा सुनो बाहर आ वो। तो गाइस कमेंट में लाजमी बताएगा आपका ईद का पहला दिन और दूसरा दिन कैसा गुजरा। भाई आपके भाई का तो सो के ही गुजरा, घर कोई था नहीं, दिल किया नहीं गर्मी की वजह से जाने को बाहर, तो इसलिए गया नहीं। दोस्त वगैरह कुर्बानी वगैरह में बिजी है सारे दोस्त, अब देखेंगे कल प्लान बनेगा तो बारबेक्यू वगैरह करेंगे उनके साथ, तो फिर इंजॉयमेंट करेंगे। एक एक से नमूने, एक 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 ही नमूने हमारे घर में अपने, केड़े केड़े नमूने। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यार भाई के जल्दी से मन के सब्सक्राइब करवा दें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर का शेयर भी किया करें, बेल आइकन को आज भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाले न्यू ब्लॉग्स का मिलेगा कोई नोटिफिकेशन। तो इसके साथ करते हैं जी वीडियो को एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ये कर क्या रहे हैं, ओए बाज़ आओ क्या कर रहे हो, आ जाओ अंदर।